बहुत प्यारी है वाकई, ठीक है। सामने देखो, दूर दूर हो जाएगा। रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने क्या कहेंगे, कैसा आज वातावरण बना हुआ है यहाँ पे, माहौल कैसा बना हुआ है सर? बिल्कुल हर्षोल्लास का वातावरण है, ऊपर से त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। अब छावला मैम आई हैं, उन्होंने वो हर साल आती हैं, मैं पिछले कई सालों से उनको देख रहा हूँ और ये हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी को प्रदान करती हैं और सारे जवान उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं, सब उनको पहचानते हैं, सब उनको देख के इतना हर्षोल्लास का माहौल वो लेके आती हैं अपने साथ। कैसा त्यौहार है बहन भाई के जो प्यार का प्रतीक है जिनको माना जाता है रक्षाबंधन? मेरे हिसाब से सिर्फ बहन भाई नहीं, ये एक रक्षाबंधन अगर आप पीछे जाएं तो ये 1906 के टाइम पे जब 1906 से ये मनाया जा रहा है, उस टाइम रक्षाबंधन भाई बहन से सिर्फ सम्मिलित नहीं था, वो एक राष्ट्र प्रेम से भी सम्मिलित है, एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है। भाई बहन तो हम मानते हैं कि वो भाई बहन की रक्षा करता है, बट इससे ज़्यादा हम सब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए जो ये शपथ लेते हैं, रक्षाबंधन उसका प्रतीक है। पाकिस्तान की ओर से कुछ दिया गया? आपका नाम क्या है सर? अच्छा,
अपना नाम और डेजिग्नेशन। चलो एक मिनट, हाँ जी सर, आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन बोल दीजिए। नाम वगैरह बोल सकते हैं? नाम बोल सकते हैं, नाम बता दीजिए, नाम बता दो, लिखना होता है। गौरव, गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन हिंदुस्तान का हर भैन का हर भरा के घर का तो त्योहार है ही है, पर मेरी जिंदगी का जिहड़ा सब तो प्यारा दिन जिहदे मैं सारा साल उड़ीक करती हाँ वह रक्षाबंधन है। और खासकर इसलिए कि अज तो 56 साल पहले, अज 56वां साल है, असी इतने 68 रखड़ी बन्नी शुरू की थी और उदों शायद सारे देश से कोई 2-4 जगह ही सीमा तो रखड़ी बनी जाती सी। मैंने अच खुशी है कि साड़ी इस अटारी बॉर्डर से अटारी सीमा से अज दर्जनों लोग आके समाजिक संस्था अध्यापक आम लोग जवानों रखड़ी बनते हैं। और हमने जब शुरू किया था पहले BSF से किया था, 1970 में सेना का इसमें जुड़ गया, उसके बाद आतंकवाद के दिनों में CRP साथ जुड़ गई, ITBP जुड़ गई और KPS गिल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस जुड़ गई। ये सारिया फोर्सेज होमगार्ड समेत अभी रखड़ी बनी है। मैंने लगता है 57 साल 57,000 तो वध सुरक्षाकर्मिया के हत्था से हमारी रखड़ी जा चुकी है और दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान के हर हिस्से के जवान ने इतने रखड़ी बनवाई है। मेरा इक्को संदेश है कि हिंदुस्तान की बहनों की राखी, उनका प्रार्थना, उनका संकल्प जब हमारे जवानों के साथ चलता है तो हमारे जवानों का पाम जहां जाते हैं अंगद के पाम की तरह टिक जाता है। इनके फौलादी हाथ के आगे हमने 97,000-1,00,000 पाकिस्तानी बांग्लादेश में नाक रगड़ रगड़ के सामने हमने सरेंडर करवाए थे। हमने 65 जीता, 71 जीता, कारगिल जीता, जीता ही जीता हमेशा हमने इन सेनाओं के कारण, BSF के कारण। BSF से मेरा बड़ा खास रिश्ता है, 1965 में BSF बना और 1968 से हमारी राखी BSF के पास आ गई और BSF मेरे पास आ गए। मेरा सभी सुरक्षा बलों को जल थल नभ जहाँ भी वो बैठे हैं उनको प्रणाम है, उनको शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे इनका पाम अंगद के पाम की तरह हो जाए, इनका हाथ हनुमान जी की फौलादी गदा जैसा हो जाए और अर्जुन के तीरों जैसे इनके निशाने हो जाए और भारत माता की जय करते हुए हम किसी का देश नहीं लूटते। और जो हमारा देश लूटने आएगा वो फिर यहाँ रह जाएगा, वो जमीन के अंदर जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा, वो वापस अपने देश नहीं जा सकता। भारत माता की जय।